तो क्या बोलो, मैं रो भी नहीं सकता, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही ना। अभी मैं बोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मेरा स्वेलिंग हो रहा है। आप लोग को नहीं क्या कर सकते हैं। सो गाइस अभी श्रेया जा रही है, क्या को बोल दो, बाय बाय बाय। सो गाइस ये घर जा रही है, घर जा रही है, मुझे अकेला छोड़कर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही है ना। सो गाइस मैं तो क्या बोलूं, मैं रो भी नहीं सकता, तो हम लोग सालबाड़ी जा रहे हैं टोटो में, टोटो के भैया के साथ। पर हम लोग फिर से जल्दी मिलेंगे साथ ना, जल्दी रहेंगे, जल्दी इन द सेंस टू मंथ्स लेटर आफ्टर एग्जाम, टू थ्री मंथ्स लेटर वी विल मीट अगेन। सो टिल दैट टाइम आप लोग कमेंट करिए कि हम लोगों को क्या लेना चाहिए, लाइक प्रैंक वगैरह या प्रैंक एंड ऑल एवरीथिंग, यू कैन कमेंट डाउन। सो हमें क्या करना चाहिए, मैं उसके हिसाब से मैं वो शेड्यूल बनाऊंगा कि क्या क्या करना है इस दिन। सो टिल देन बाय बाय गाइस, और श्रेया को बाय बाय। गाइस मैं पहुंच गया हूं अभी श्रेया यहां पर है, और आज ये यहीं पर रुकेंगी और मैं जाऊंगा अपने घर, आज मैं जाऊंगा। हाँ नहीं खाऊंगा, प्रमोशन मत करो ना ऐसा, हमारे आंसू के साथ रहेगी, आंसू देखो यार, हंसना मना है। तो गाइस क्या कर सकते हैं, छोड़ना तो पड़ेगा ही नहीं। So guys, मैंने श्रेया को छोड़ दिया। अरे कहना क्या चाहते हो, छोड़ कर आया आंटी और ऋषि नाना कोई वहाँ पर जोरम दादा, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। श्रेया को छोड़ कर आने का तो आने का वापस आने का मन ही नहीं था। तो गाइस बाय बाय, सी यू, टाटा एंड see you in the next vlog. Several days later. So hello guys, welcome back to my channel. और आज का vlog मेरे dental clinic पर है, क्योंकि मेरा यहाँ पर cavity हो गया था और इसी चक्कर में मैंने दांत को press कर दिया था और दर्द करने लगा बहुत ज़्यादा, और मुझे कल रात को बहुत fever भी आया था इसी चक्कर में, और आज थोड़ा fresh हूँ क्योंकि paracetamol खाया था, रात को पैरासीटामॉल खाकर सोया था, इसीलिए अभी फ्रेश हूँ। सो आज मैं जा रहा हूँ डेंटल क्लिनिक, क्योंकि मेरा फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर चेकअप करना है आज। और यहाँ फ्लफी बहुत बदमाश कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, इसको जब छोड़ता हूँ ये बहुत कूदता है, उछलता है, उछलता ही रहता है हमेशा। और मैं तो सिलगुड़ी से कब का आ चुका हूँ और आज ही ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारा काम रह गया था और बहुत सारा कॉलेज का असाइनमेंट्स वगैरह है, और इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आई कुडंट डू ब्लॉग, और लास्ट ब्लॉग तो आने वाला है। सो या
अभी फ्लफी ओए ये देखो बदमाश हो रहा है यहाँ पर। और आज तो कॉलेज का छुट्टी है और स्कूल सब लग रहा है क्योंकि स्कूल लोगों का तो लगता ही है कॉलेज का सैटरडे और संडे को छुट्टी होता है। सो आज फ्लफी के साथ खेलूँगा थोड़ी देर और अभी थोड़ा सा मेरा प्रमोशन भी करना है शूज़ का। सो आज तो मौसम बहुत बढ़ गया है क्योंकि कल से हमारा यहाँ पर मौसम बहुत घटिया था, पानी पड़ रहा था और आज सनी सनी हो गया है। सो या दैट्स इट, और मिलते हैं आप लोगों को डेंटल क्लिनिक पर। अभी मैं थोड़ा मेरा शूज़ का प्रमोशन कर लेता हूँ, बाकी तो मुझे नहीं मालूम है। सो गाइज मैं अभी निकल चुका हूँ घर से, मम्मी तो नहीं आ रही है क्योंकि मम्मी थोड़ी देर हो जाएगी, थोड़ी देर हो जाएगा सो इसीलिए मम्मी तो नहीं आने वाली। मम्मी का छुट्टी भी नहीं मिला ऑफिस से, सो इसीलिए मैं अकेला जा रहा हूँ भैया के साथ। भैया भी जा रहे हैं पर भैया तो दूसरे काम से जा रहे हैं और मैं रास्ते में ही उतर जाऊँगा और देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मैं ऊपर ही जाऊँगा, बुलबुले कहाँ पर जाएंगे, बाजार ना, बाजार जाएंगे फर्स्ट तो, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो मुझे भी नहीं मालूम है कहाँ पर जाना है, डेंटल क्लिनिक कहाँ पर जाना है, लाइक डेंटल क्लिनिक बहुत ज़्यादा है गैटू में पर आई कैंट फिगर आउट वे टू गो। सो ऐसे अभी रास्ते में देखते जाएंगे और देखेंगे क्या होता है। अभी यहाँ पर लो सल हेलो अनम हेलो। अभी दूसरा बड़ा भैया भी नीचे है, अभी रोड पे वेट कर रहे हैं, वो आ जाएंगे, उनके ही काम से जा रहे हैं अभी तो। एक मेरा भी काम हो जाएगा इसीलिए मैं भी जाऊंगा, टैक्सी का भाड़ा कौन देगा मुझे, इसीलिए मैं ही जाऊंगा, ये इनके साथ ही जाऊंगा। तो ये हम लोग आधे रास्ते में है और मेरा दादा भी आ चुके हैं और यहाँ पर नहीं मिल रहा है डेंटल क्लिनिक। सो व्हाट शैल आई डू, अभी हम बाजार भी जाते हैं क्या होता है देखते। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं बुलबुले। सो अभी ऐसा है रोड का हालत, यहाँ पर मेन टूरिज्म स्पॉट यहाँ से जाता है लाइक गणेश टॉक एंड ऑल, और यहाँ से टाशी व्यू पॉइंट जाता है जहाँ पर हम हमेशा जाते हैं। सो यहीं से पहुँचते और बाकी सब तो ऊपर वो जहाँ पर पाइन ट्रीज वगैरह दिख रहा है आप लोगों को वो रेडियो टावर बोलते हैं। प्लीज़ अभी हम अपने फेवरेट जगह पर आए हुए हैं और हम लोग क्या खाने वाले हैं, आप क्या खाओगे? मैं नहीं खा रहा हूँ। आप नहीं खा रहे हो? गाइस मैं तो टाइफो खा रहा हूँ पर मेरा दांत देगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, खाने देगा कि नहीं। सो या यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलता है। दर्द कर लिया गाइस, अभी डेंटल क्लिनिक जा रहा हूँ। अभी यहाँ से यहाँ पर आई गेस यहाँ पर तो एक तो होगा शायद, एउटा डेंटल क्लिनिक छैन त यहाँ त। तो गाइस अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे और यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्यों, मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ था पर क्या हुआ कि क्या हुआ था कि घर पे ही मैं भूल गया रजिस्ट्रेशन करना। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। गाइस अभी क्या हुआ कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है सो इसीलिए हम लोग घर जाने वाले हैं फिर से, और घर तो नहीं जाने वाले, दूसरा क्लिनिक जाने वाले क्योंकि अभी गाड़ी आ चुका है, अभी दूसरा क्लिनिक जाकर आते हैं। आया अभी हो मैंने देखो पैसा चाहिए 10 रुपये में गाड़ी 10 रुपये ना ये चिंत रखी गई ये चिंत। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं डेंटल क्लिनिक, यहाँ पर बहुत बार जहाँ जहाँ
गैंगटॉक पर पहुँचे खुद हॉस्पिटल भी पहुँचे पर हमारे घर के ही ऊपर था डेंटल क्लिनिक है ना. सो आई एम अबाउट टू गो नाउ. अभी मैं बोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मेरा स्वेलिंग हो रहा है. आप लोगों को नहीं दिख सकता वो चम पर मेरा अस्थि में स्वेलिंग हुआ है. सो अभी डॉक्टर से भी यहाँ प्रिस्क्रिप्शन मिल गया और मेरा एक्सट्रैक्ट तो नहीं हुआ पर दूसरा टीत लगाने वाले है और इसी के चलते लाइक आई हैव टू गो एवरी डे फॉर अपॉइंटमेंट. डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है एवरी डे. आई डोंट नो कब तक ये चलेगा. तो पर या मेरा दूसरा नकली दांत आने वाला है. मेरा वॉइस को इग्नोर करो. सो अभी हम लोग दवाई खरीद देंगे और घर चले जाएंगे. है ना घर जाना है. अब गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ और मुझे फीवर हो गया था. जब आते वक्त ही फीवर हो गया था तो मैं सो गया और सोकर अभी उठा हूँ. अभी मेरा पिंपल आ गया है यहाँ पर. देखो यहाँ पर पिंपल आ गया है. सो कल फिर से एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ क्योंकि RCT करवाया था आज. उसका 4 स्टेप्स होता है. फर्स्ट स्टेप तो आज कंप्लीट हो गया और अभी 3 स्टेप बाकी है. सो 3 स्टेप के लिए मुझे हर रोज़ जाना होगा और कैप भी लगवाएंगे वो लोग सब लोग डॉक्टर साहब डॉक्टर जो भी है डॉक्टर मुझे वो कैप लगवाएंगे और देखेंगे क्या होता है. जब डॉक्टर ने इंजेक्शन यहाँ पर मारा ना तब इतना दर्द हुआ था. लाइक आई वॉज लाइक दैट. और क्या बताओ आप लोगों को. फिर जब ड्रिल किया ड्रिल करके वो रिड्यूस किया मेरे दांत को तब मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मसाज हो रहा था वहाँ पर मेरे दांत का भी और सर का भी. दांत से सीधा इफेक्ट सर पर हो रहा था और इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा था. पर अब फीवर लग गया था आते वक्त. सो या दैट्स इट. और आज का व्लॉग थैंक यू सो मच देखने के लिए. और कल मुझे फिर से अपॉइंटमेंट के लिए जाना होगा डॉक्टर के पास. देखते हैं क्या होता है. आप लोगों को हर चीज़ का अपडेट देता रहूँगा और आज से रेगुलर व्लॉग आएगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार बोला है मुझे. रेगुलर व्लॉग तो नहीं लाइक इन अ वीक 3-4 डेज आई विल पुट द वीडियो एनी हाउ. सो या अभी एग्ज़ाम भी आने वाले एग्ज़ाम्स आने वाले इलेक्शंस आने वाले. सो वेरी वेरी बिजी. सो अभी लाइक क्या कर सकते हैं. सो इसी चक्कर में मैं भूल जाता हूँ हमेशा यूट्यूब ही है. सो या दैट्स इट. और बाय बाय अभी के लिए. गुड नाइट.